नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय बड़ी वारदात सामने आई है। महिला के थे अवैध संबंध, इस वजह से प्रेमी ने हत्या कर जंगल में फेंक दी थी लाश। कैलारी में महिला की हत्या कर शव फेंकने के मामले में आरोपी को 10 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 21 मई की रात महिला की हत्या अवैध संबंध में हुई थी। जिस व्यक्ति से उसके अवैध संबंध थे उसने ही छुटकारा पाने वारदात को अंजाम दिया था। 22 मई को उसका शव जंगल में मिला था। मृतका की शिनाख्त नहीं होने पर उसका शव पुलिस ने दफन कर दिया था। बाद में महिला की पहचान उसके कपड़े व चप्पल देखकर उसके पति ने की थी। इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और आरोपी को दबोच लिया। इस संबंध में कैलारी पुलिस ने बताया कि 22 मई की शाम 5 बजे ग्राम तिलोखन जंगल के बिही नाला में एक अज्ञात महिला 27-30 साल का शव मिला था। उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। ग्राम पंचायत तिलोखन के सरपंच कुंवर सिंह पिता लाले सिंह की सूचना पर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। शव का पीएम कराया गया। रिपोर्ट में मृतका का गला दबाने से दम घुटने के कारण मौत होना बताया गया। शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस ने शव को दफन कर दिया था। मामले में थाना प्रभारी प्रद्युमन तिवारी ने मृतका के परिजनों की तलाश की। प्रकरण में अज्ञात मृतका के पति भूषण सिंह निवासी ग्राम छपरा थाना छोटा सिद्धी जिला शहडोल मध्य प्रदेश 26 मई को थाना पहुंचे। उसने शव का फोटो एवं मृतका के कपड़े साड़ी ब्लाउज पेटीकोट चप्पल को देख अपनी पत्नी नानबाई सिंह के रूप में पहचान की। पुलिस ने अंतिम संस्कार करने शव को सुपुर्दनामा पर मांगने पर SDM से कब्र से शव बाहर निकलवाने की अनुमति ली। फिर कार्यपालिक दंडाधिकारी कैलारी की उपस्थिति में शव को बाहर निकाला गया और उसके पति के सुपुर्द कर दिया गया। मृतका के परिजनों से घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी अरविंद जोगी पिता मोहन लाल 38 निवासी ग्राम कररावन थाना जैतपुर शहडोल मध्य प्रदेश के साथ महिला के अवैध संबंध होने की बात बताई गई। पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने छुटकारा पाने मृतका को गुमराह कर 21 मई की रात कैलारी क्षेत्र के ग्राम तिलोखन जंगल में हत्या कर शव को फेंकना बताया। आरोपी द्वारा नानबाई की हत्या का साक्ष्य छिपाने शव को जंगल में फेंक दिया गया था। मामले में धारा 302-201 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लेने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय मनेन्द्रगढ़ में पेश कर जेल भेजा गया है।